हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, इस पे तो वीडियोस बहुत सारे क्रिएटर बनाते हैं ना, तो फिर एल ग्रो इतना सक्सेसफुल क्यों है? आखिर क्यों चैनल स्टार्ट करते सिर्फ 2 महीने में एल ग्रो के 50,000 सब्सक्राइबर्स और सिर्फ 1 साल में 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। इफ यू गोना से दिस इज लक, बट एल ग्रो के चैनल स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि एल ग्रो के पास एक 4-स्टेप फॉर्मूला है जो वो अपने 90% वीडियो में यूज करता है, और जो इसका 4-स्टेप है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि शर्त लगा लो एल ग्रो इसके बिना कभी ग्रो नहीं कर पाता। तो फिर तुम्हें भी अपनी चैनल पर ऐसे ही सक्सेस चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्टिंग विद स्टेप 1, रेड ग्रीन थंबनेल। अगर तुम एल ग्रो के चैनल पे देखो तो यू विल सी उसकी 99% थंबनेल्स में हाई कॉन्ट्रास्ट रेड और ग्रीन कलर का यूज किया है। फॉर क्यू, क्या ये एल ग्रो का फेवरेट कलर है? ऑफ कोर्स नॉट। द रीजन बिहाइंड दिस इज सिंपली टू रिड्यूस डिसीजन टाइम। आसान भाषा में ऐसे समझो, एल ग्रो की ऑडियंस को रेड ग्रीन थंबनेल में आदत सी हो गई है। दैट मींस तुम किसी एल ग्रो की थंबनेल्स को फर्स्ट टाइम क्लिक किया, उसकी वजह से तुम्हें मिली अच्छी वीडियो, तो जब नेक्स्ट टाइम यूट्यूब तुम्हें वैसे ही थंबनेल वाली और वीडियो रिकमेंड करेगा, तुम्हारा डिसीजन टाइम रिड्यूस हो जाएगा और तुम उस वीडियो में क्लिक कर दोगे। एंड दिस साइकिल कीप्स रिपीटिंग। लेकिन भाई, हम इस एडवाइस को अपने चैनल पर अप्लाई कैसे करें? हम भी रेड और ग्रीन थंबनेल लगाना शुरू करते? बिल्कुल नहीं, इससे तुम्हारा चैनल का व्यूज बढ़ने से ज्यादा और कम हो जाएंगे। बिकॉज रेड एंड ग्रीन थंबनेल एल ग्रो का जैसा ब्रांड बन चुका है, एंड पीपल विल थिंक तुम एल ग्रो को कॉपी कर रहे हो। करना सिर्फ इतना है कि अपने चैनल के थंबनेल्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर, लाइक एक कलर स्कीम डिसाइड कर लो और उसके साथ एक फॉन्ट भी जो तुम्हें हर थंबनेल में यूज करना है। कलर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेम फॉन्ट इन ऑल थंबनेल्स इज इम्पोर्टेंट। इससे होगा ये कि व्यूअर्स थंबनेल्स देख के ही समझ जाएंगे कि वो तुम्हारे वीडियो है। इट मींस रिड्यूस डिसीजन टाइम। अगर तुम्हारे थंबनेल्स एल ग्रो जैसे नहीं भी है, तभी भी यू कैन अप्लाई दिस एडवाइस, लाइक लुक एट दिस एग्जांपल ऑफ मिस्टर बीस्ट। सारे वीडियो के थंबनेल्स में कंसिस्टेंट है। बाय द वे, अनदर रीजन व्हाई एल ग्रो यूज रेड कलर इज कलर साइकोलॉजी। इसके बारे में एल ग्रो ने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो तुम ये देख सकते हो। ये तो हो गई थंबनेल्स की बात। अगर वीडियो को लोग स्टार्टिंग में छोड़ दे तब तो ऑडियंस टेंशन कम हो जाएगा ना। दिस ब्रिंग्स मी स्टेप नंबर 2, क्रिएटिंग इंट्रोज विद अ नीड। तो अगर तुम एक यूट्यूबर हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि वीडियो की शुरुआत के फर्स्ट 30 सेकंड में व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मोस्ट यूट्यूबर्स किसी फैंसी इंट्रो या हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल से शुरू करते हैं, वहीं एल ग्रो शुरुआत के 3 सेकंड्स किसी मास्टरमाइंड की तरह करता है। इन शॉर्ट, एल ग्रो की इंट्रोज की मदद से व्यूअर्स के मन में एक सेंस ऑफ नीड या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट करता है, एंड फिर वो अपने व्यूअर्स को गारंटी देता है जब वो वीडियो एंड तक देखेंगे तब उन्हें वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर अभी भी अनक्लियर है तो एल ग्रो का इस वीडियो खुद ही देख लो। How to grow a fake channel on YouTube। इस टॉपिक पर फुल वीडियो जल्दी आएगी, बट उससे पहले फेक चैनल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ कंपटीशन बहुत हो गया है। तुम चाहे बेस्ट वीडियो बना लो, मार्केट ही इतनी सैचुरेट हो गई है कि फायदा ही नहीं होता है। बट एक तरीका है जिससे शायद तुम अपने व्यूज 50% से भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, तो वो तरीका क्या है बताता हूँ। अच्छा, इंट्रो में तो व्यूअर्स को कर दिया, बट बाकी वीडियो का किया? यहीं पे आते हैं स्टेप नंबर 3, बिल्डिंग द हाइप। इस स्टेप को समझने के लिए हमें एल ग्रो की इस वीडियो को 12 सेकंड्स में देखना होगा। लेट्स सी। एंड नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाला हूँ टाइटल अच्छा कर लो, थंबनेल अच्छा कर लो एंड कंटेंट बढ़िया कर लो, ये तो तुम्हें हर कोई बताता है। बल्कि 4 एक्चुअल प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ, जिसमें से मेरी फेवरेट तो नंबर 4 होने वाली है। बाकी बात करते हैं टिप नंबर 1। तो अगर तुमने नोटिस किया, एल ग्रो सेड कि वो हमें 4 टिप्स देने वाला है और उसमें से उसकी फेवरेट है नंबर 4। द रीजन व्हाई एल ग्रो ने टिप नंबर 4 को अपना फेवरेट बताया, बिकॉज टिप नंबर 4 कम्स एट द एंड ऑफ वीडियो। इसका मतलब तुम्हें एल ग्रो का फेवरेट टिप जानना है तो तुम्हें वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ एल ग्रो मेक्स श्योर यू वॉच टिल द एंड। इस ट्रिक को बोलते हैं एंड रिवॉर्ड पे ऑफ। बट एल ग्रो लिटरली 85-90% वीडियोस पर यूज कर चुका है। इनफैक्ट अगर तुमने ध्यान दिया, मैंने इस वीडियो को इंट्रो में इसी ट्रिक का यूज किया। और यही नहीं, एक लाइन है एल ग्रो अपने बहुत सारे वीडियोस पर यूज करता है, बिल्ड सस्पेंस। एंड दैट इज बताता हूँ, अगर एल ग्रो के फैन हो तो समझ ही गए होंगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फाइनली आते हैं स्टेप नंबर 4 में, जिसके बिना एल ग्रो कभी ग्रो नहीं होता, एंड दैट इज जेन्युइन कंटेंट। मुझे याद है जब एल ग्रो यूट्यूबर नहीं था, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब नीड्स पे शायद ऐसा कोई क्रिएटर था जो एक्चुअल में गुड और प्रैक्टिकल एडवाइस देता था। इसको देखो, सब बोलते थे वॉच टाइम बढ़ा लो, CTR बढ़ा लो, ऑडियंस रिटेंशन 60% कर लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि ये सब करना कैसे है। जब एल ग्रो आया, आई वॉज रियली हैप्पी कि फाइनली कोई यूट्यूबर है जो काम की बात कर रहा है। बट ऐसा सिर्फ मैं नहीं, एल ग्रो की पूरी कम्युनिटी मानता है। वी थिंक एल ग्रो इज फर्स्ट यूट्यूबर इन इंडिया जिसने लेसन ऑन टॉपिक जैसे कि CTR, सेशन टाइम, थंबनेल्स पे कलर फॉन्ट साइकोलॉजी और राइट एडिटिंग स्टाइल पे बात की। एल ग्रो अगर चाहता तो अपने हर वीडियो के थंबनेल और टाइटल को क्लिकबेटिव बना सकता था, लाइक गेट 4000 वॉच टाइम इन 7 डेज, स्टफ लाइक दैट। बट उसने ऐसा नहीं किया। इससे व्यूज अगर थोड़े कम भी आए, अभी एल ग्रो इज बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ व्यूज दैट ट्रस्ट हिम, एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट मैटर्स।